हेलो दोस्तों, वेलकम टू द टेक विशाल यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि अगर आप लोगों ने अपनी इनकमिंग कॉल को जो है दूसरे नंबर पर डाइवर्ट किया था, लेकिन अब आप लोग जो है इस फीचर को ऑफ करना चाहते हैं, यानी कि कॉल डाइवर्ट को डीएक्टिवेट या टर्न ऑफ करना चाहते हैं, लेकिन आपको जो है नहीं पता है कि कॉल डाइवर्ट को डायरेक्टली किस तरीके से डीएक्टिवेट किया जाता है, तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को कॉल डाइवर्ट को डीएक्टिवेट करने के दो तरीके बताने वाला हूँ, और ये दोनों तरीके जो है बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। इसलिए आप वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो जो है ज्यादा लंबी तो नहीं होने वाली, बिल्कुल शॉर्ट सी है, लेकिन आप लोगों को जो है अच्छे से समझाऊंगा कि किस तरीके से कॉल डाइवर्ट हटा सकते हैं। लेकिन उससे पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे इस टेक विशाल यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, अपने एंड्रॉयड मोबाइल में कॉल डाइवर्ट को डीएक्टिवेट करने के दो तरीके होते हैं। पहला जो तरीका है वो मैं यहाँ पर आपको दिखाने वाला हूँ, वो एक मैनुअल तरीका है जिसमें आपको स्टेप बाय स्टेप्स फॉलो करना रहती है, जिसके बाद आप इनकमिंग कॉल के डाइवर्शन को हटा सकते हैं। कॉल डाइवर्ट डीएक्टिवेट या टर्न ऑफ करने के लिए सबसे पहले आपको डायल पैड पर क्लिक करना है। अब इसके बाद में राइट साइड में ऊपर दिख रहे सेटिंग के आइकॉन पर क्लिक कर दीजिएगा। कॉल फॉरवर्डिंग सेटिंग या कॉल डाइवर्ट के नाम से सेटिंग ऑप्शन देखने के लिए मिल सकता है। अगर ये बाहर देखने के लिए नहीं मिलता है, एडवांस सेटिंग का ऑप्शन दिया हुआ है, तो वहाँ से चले जाइएगा। फिलहाल मेरे इसमें बाहर से दिया हुआ है, इसलिए मैं यहाँ पर चले जाता हूँ। और फिर मुझे सिलेक्ट करना है वॉइस वाले ऑप्शन को, क्योंकि हमने वॉइस कॉल को डाइवर्ट कर रखा है। अब कुछ ही मिनट्स के अंदर आप लोगों के सामने सारी सेटिंग्स यहाँ पर जो है ओपन हो जाएगी, और आपने जिस किसी भी कंडीशन के लिए कॉल डाइवर्ट या कॉल फॉरवर्डिंग एक्टिवेट किया हुआ होगा, उसी पर आप लोगों को जो है ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, और साथ में वो नंबर भी देखने के लिए मिलेगा जिस पर आप लोगों ने कॉल डाइवर्ट करी थी। अब देखिए जरा, यहाँ पर मुझे तो देखने के लिए मिल रहा है कि मैंने ऑलवेज फॉरवर्ड करा था। अगर आप लोगों ने वैन बिजी वैन अनआंसर्ड जो है कॉल फॉरवर्डिंग करी होगी तो आपको वो देखने के लिए मिल जाएगी। अभी मुझे जो है फिलहाल यहाँ पर ऑलवेज फॉरवर्ड वाले को डीएक्टिवेट करना है, तो सिंपल इस पर क्लिक करना है। अब इसके बाद सिंपली आप लोगों को क्या करना है कि अगर कॉल डाइवर्ट को हटाना ही चाहते हैं तो सबसे पहले यहाँ से नंबर हटा दीजिएगा और टर्न ऑफ पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आप करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली कुछ ही सेकंड्स के अंदर अपडेट हो जाएगा, और अब आप देख पाएंगे कि ऑलवेज फॉरवर्ड के साथ में दूसरा ऑप्शंस भी यहाँ पर देखने के लिए मिल रहे हैं, और कॉल फॉरवर्डिंग जो है यहाँ से हट चुकी है। अब दोस्तों, ये तो हो चुका पहला तरीका जिसमें हम लोगों ने मैन्युअली जो है कॉल डाइवर्ट को डीएक्टिवेट कराए। लेकिन अगर आप लोग डायरेक्टली ही कॉल डाइवर्ट को डीएक्टिवेट करना चाहते हैं तो सभी सिम के लिए जो है अलग अलग यूएसएसडी कोड्स होते हैं। जैसे कि अगर वीआई यूज़र की बात की जाए तो वीआई यूज़र के लिए कॉल डाइवर्ट डीएक्टिवेशन का कोड जो है वो है ##21#, और आपको सिंपली डायल कर देना है। जैसे ही आप डायल करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, और कुछ सेकंड में ये देखिए जरा, कॉल फॉरवर्डिंग इरेज सक्सेसफुल, यानी कि आपने अगर किसी भी टाइप की कॉल फॉरवर्डिंग एक्टिवेट की हुई होगी तो कॉल डाइवर्ट डीएक्टिवेट हो जाएगी। दोस्तों, अगर आप लोग VI के अलावा एयरटेल या फिर अदर यूज़र हैं तो मैं आपको बता दूं कि एयरटेल में भी VI के जैसा ही सेम USSD कोड अप्लाई होता है, यानी कि ##21#। सिर्फ जियो में अगर आप लोगों को ऑल कॉल डाइवर्ट डीएक्टिवेट या हटाना है तो उसमें जो है आप लोगों को वहां पर दबाना होगा *413 और सिंपली डायल कर देना है। आई होप दोस्तों आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, जिसमें मैंने आप लोगों को कॉल डाइवर्ट कैसे हटाएं इसके बारे में डिटेल से बताया है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो पे कमेंट जरूर करिएगा कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही है या नहीं। सो ओके गाइज, दिस इज टैग विशाल यूट्यूब चैनल साइनिंग ऑफ। बाय बाय।